हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कल भारत को मिली सी प्लेन की सौगात। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर कल पीएम मोदी ने देश को एक सौगात दी, सी प्लेन की सौगात। पीएम ने गुजरात के केवड़िया से साबरमती के लिए सी प्लेन में उड़ान भरी और ये दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। दिवाली से पहले ही पीएम मोदी ने देश को गिफ्ट दे दिया है। अब आप साबरमती से चढ़ेंगे और 200 किलोमीटर दूर केवड़िया में सिर्फ आधे घंटे में उतरेंगे। नर्मदा की लहरों से देश के पहले सी प्लेन का सपना साकार हो गया। पीएम ने गुजरात के केवड़िया में पहले जल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और देश के पहले सी प्लेन से प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ान भरी। समंदर पानी से उड़कर पानी में उतरने का जो मील का पत्थर है उसको तय कर लिए, वो दूरी नाप ली है। तो ये प्रधानमंत्री का ये सी प्लेन केवड़िया कॉलोनी के तालाब नंबर 3 से उड़ान भर चुका है। सिर्फ आधे घंटे बाद ही देश के पहले सी प्लेन की लैंडिंग साबरमती फ्रंट पर हो गई। और अब उसने जब साबरमती में लैंड किया और लैंड करने के बाद पानी में उसी स्पीड से पानी में दौड़ता दिखाई पड़ा और अब एरोड्रम की तरफ धीरे 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 बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पहले से ही मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और आचार्य देवव्रत जो राज्यपाल हैं दोनों लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पीएम की अगवानी के लिए पहले से ही गुजरात के सीएम विजय रूपाणी मौजूद थे। यहाँ पहुंचकर पीएम ने साबरमती रिवर फ्रंट पर मौजूद लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। साबरमती रिवर फ्रंट पर मौजूद अधिकारियों ने पीएम को जल हवाई अड्डे की सारी जानकारियां दी। पीएम ने भी अधिकारियों से कुछ सवालों के जवाब पूछे। इसके बाद पीएम ने साबरमती रिवर फ्रंट पर भी देश के पहले सी प्लेन का औपचारिक उद्घाटन किया। अब आपको सी प्लेन की खास बातें बताते हैं। सी प्लेन का किराया 1500 रुपए है। आधे घंटे में 200 किलोमीटर का सफर तय होगा। एक बार में 15 यात्री सी प्लेन में बैठ सकते हैं। लैंडिंग के लिए रनवे की जरूरत नहीं होती है। सी प्लेन जमीन और पानी दोनों जगह से उड़ान भर सकता है। ये विमान 300 मीटर के रनवे से भी उड़ान भर सकता है। इस सी प्लेन से गुजरात के पर्यटन उद्योग को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। साथ ही अब जिन जगहों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ भी आने वाले भविष्य में जल्द सफर मुमकिन होगा।